Hey, hi friends, welcome back in my new video and I'm again with a new success story. और मेरे साथ अभिनव है. अभिनव रिसेंटली CMA क्वालिफाइड किए हैं और इनका कैंप प्लेसमेंट भी हुआ है वेदांता में. और लाइक ही सिक्योर्ड लाइक मोर देन 11 LPA इन CMA कैंपस प्लेसमेंट. और आप देख सकते हो अभी एज भी बहुत ज्यादा नहीं, आई थिंक 22 के आसपास होगा. अभिनव कितना एज है अभी आपका? 23. 23 22 23. मैंने आपको जैसा बताया, सो इतनी कम एज में 11 LPA का पैकेज प्लस CMA क्वालिफिकेशन, सो बहुत कुछ है इस स्टोरी में. आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा एंड एक कंप्लीट करियर गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलेगा और आप डिसाइड कर सकते हो अपनी CMA जर्नी वीडियो के अकॉर्डिंग. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को के लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब. हाय अभिनव, कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड सर. व्हाट अबाउट यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी. थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू गाइड द यंगस्टर आउट देयर. यार थैंक्स. सो अभिनव, मतलब कैसी फीलिंग थी आपकी जब आपको ऑफर लेटर मिला? तो लाइक वो बिलीव हो रहा था या नहीं, क्या फील था उस समय? बहुत ओवरजॉयड था, मतलब बहुत खुशी हो रहा था क्योंकि इसी के लिए प्रिपरेशन किया था इतना, 2 3 3 साल 4 साल जो भी लगता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए. हम लोग का लगता है कि इसी को टारगेट करना है. फिर उधर में ये ऐसा हुआ, मतलब ऑफर लेटर आ रहा तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुआ था. राइट, ओके. एंड जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको कैंपस के लिए प्रिपरेशन करवाया था, वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्प की थी कैंपस क्रैक करने में? सर बहुत ज्यादा सर, आपका जो नोट्स था सर वो इतना कंसाइज और इतना समराइज वे में आप बना के दिए थे कि वो एक दिन पहले आराम से कोई भी गो थ्रू कर सकता है. उसको पूरा कंटेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है. लाइक पूरा हम लोग का जो भी सिलेबस इतना है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो वो कवर करना मुश्किल हो जाता है एक दो दिन पहले. लेकिन आपका जो नोट्स है वो इतना कंसाइज और इतना समराइज है कि वो एक दो बार अगर पहले पढ़ा हुआ है तो वो 3 4 घंटे पहले वो हो जाता है एक दिन पहले कैंपस पे. तो वो सब बहुत हेल्प किया सर. बाकी आपका जो गाइडेंस और आपका जो मॉक इंटरव्यू था वो बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट कर, कॉन्फिडेंस ऐसा दे दिया कि मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करा दिया था कैंपस से पहले ही. ग्रेट. सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ, आपने CMA कैसे ज्वाइन किया? सर मेरे ऐसा कुछ तो था नहीं CMA का, जैसे 10 12 पास किया था तो मतलब प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सुना था लेकिन करने का वैसा कुछ मेरा नहीं था. तो जब मैं सेमेस्टर 2 में था तो मेरा एक फ्रेंड था, वो CMA फाउंडेशन देने जा रहा, मतलब वो एडमिशन करवाने जा रहा था CMA फाउंडेशन. तो वो मेरे को बताया ऐसा ऐसा है, तुम करवाएगा तो कर, तुम भी करवा ले. तो हम उसको फिर उसका बात सुना, फिर हम घर में आके ये डिस्कस किया. तो फिर वैसा हम CMA फाउंडेशन के लिए एनरोल करवाया. फिर वैसा कुछ सीरियसनेस नहीं था, फिर आगे करते गया, फाउंडेशन क्लियर हुआ, फिर इंटर में आया तो थोड़ा सीरियसनेस जगा. तो फिर और रिसर्च करना स्टार्ट किया. तो पूरा वैसा, मतलब पहले से कुछ करने का प्लानिंग नहीं था. अच्छा, बेसिकली आप वेस्ट बंगाल, प्रॉपर आप वेस्ट बंगाल से हो या फिर आप कहीं और लोकेशन से हो? सर मेरा प्रॉपर वेस्ट बंगाल हावड़ा से. सर हावड़ा से हो प्रॉपर. सो लाइक वहां पे तो ऑलरेडी CMA कल्चर रहा होगा क्योंकि हेड ऑफिस कोलकाता है, तो ऑलरेडी लाइक बहुत सारे अवेयरनेस रहे होंगे. तो आपको लाइक इंटरमीडिएट जब आप फाउंडेशन आपने वन शॉट में आपने क्लियर किया, देन इंटरमीडिएट के लिए आप मतलब ऑफलाइन क्लासेस गए थे या फिर आप ऑनलाइन या बाई सेल्फ, किस तरीके से आपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन की? लाइक क्योंकि फाउंडेशन में क्या होता है, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 11 12th का भी एक लेवल अलग होता है, और इंटरमीडिएट एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स में आप इंटर कर चुके थे, तो वो चैलेंजेज और कैसे आपने उसको टैकल किया? सर लेकिन सर जो हम लोग के टाइम पे फाउंडेशन रिटेन हुआ करता था, अभी एमसीक्यू शायद अभी भी रिटेन हो गया वो हाँ, रिटेन OMR सीट सर. बेस्ड है लेकिन अभी भी. हाँ तो वो इंटरमीडिएट कर, इंटरमीडिएट के लिए मेरे को कॉलेज के साथ साथ करना था. तो हम अच्छा लोग के कॉलेज में अटेंडेंस क्या होता है, कंपल्सरी कंपल्सरी था. तो वैसे मैं सारे सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लिया था, तो प्लानिंग कर लिया था पहले ही कि मतलब 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन जाके लेगा और 2 सब्जेक्ट खुद ही से कर लेगा सेल्फ स्टडी. तो इसलिए मैं वन ग्रुप एट अ टाइम करके दिया था. तो ये करके मतलब ये वर्क किया मेरे लिए. और
अच्छा, मतलब आप सिंगल वो फिर सिंगल ग्रुप हाँ के साथ आप गए और आपने वन वन शॉट में आपने क्लियर किया सिंगल ग्रुप इंटरमीडिएट, राइट? सो जब आपने वन एन यस ग्रुप सर। दिया, वन शॉट में क्लियर किया, तो आपको एग्जाम से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, किस तरीके से रिवीजन करना है? सर एग्जाम से पहले सर जो मैंने पढ़ा, मतलब जैसे 2-3 दिन, 2-3 महीना के जैसे हम लोग के प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है, मतलब कोचिंग खत्म होने के बाद, तो मैंने कोचिंग में ही मार्क करके रख लिए थे ये टॉपिक मेरे को अच्छा से कवर करना है, या मेरे को ये टॉपिक वीक वीक जो है, तो मैंने कोचिंग करते 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 ये सब सारा सॉर्ट आउट कर लिया था, या एक जगह लिख लिया था कि ये मुझे एग्जाम से पहले, मतलब जो छुट्टी मिलेगा 3 महीना उसमें अच्छा से इसको गो थ्रू करना है, और बाकी का जो भी था वो 3 महीना पहले ही सारा कंटेंट को कवर करना वैसे हो जाता है ऐसे, मतलब सारा कोर्सेज को गो थ्रू करना वो 3 महीना में प्रॉपर ग्रेट। सो क्लियर पेपर तो हो में जाता। एक एक चैलेंजेज और भी आता है, लाइक स्टूडेंट्स पढ़ते बहुत, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, टाइम देता है कि उसका पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन 3 घंटे एग्जाम सेंटर में आप पेपर के साथ आपने कैसे मैनेज करते थे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी फर्स्ट 15 मिनट का एंड देन फिर रेस्ट ऑफ 3 आवर्स? सर जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स में सर मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं क्या करता था कि फर्स्ट 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेता था, और गो थ्रू करके उसी टाइम मार्क कर लेता था कि मुझे ये करना है, तो वैसे वो 15 मिनट्स में तो मेरे को पता चल गया कि ये मुझे करना है, और नेक्स्ट के उसके बाद जो भी 3 घंटे मेरे को बचता था तो पहले तो वो मैं एमसीक्यू करके खत्म कर देता था। इंटर का मतलब जैसे हम लोग का 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो 30 मार्क्स के मतलब जो आता था उसको लिख लेता था, जो नहीं आता था उसको ब्लैंक छोड़ देता था लास्ट के लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन तो मेरे को मार्क करके पहले ही रखा हुआ था तो उसको पहले ही जो मेरे को बढ़िया से सबसे आता था उससे ही स्टार्ट करता था, वैसे वैसे स्टार्ट करता था तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था, फिर एक फ्लो मिल जाता था करते 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 करते, तो फिर वो नेचुरली वो स्पीड भी बिल्डअप हो जाता है, और एट द एंड मतलब वो मदद भी करता है कि मतलब वो टाइमली कंप्लीट हो सके, लेकिन होता तो नहीं है ऐसे, 10-15 मार्क्स तो छूट ही जाता है, फिर भी वो एक स्ट्रेटजी अपनाने से तो 85 मार्क्स 50 के अराउंड अटेम्प्ट हो जाता है, तो उसमें 50-60 आने का चांसेस बढ़ जाता है, तो मेरा ही स्ट्रेटजी ये रहता था कि पहले ही मतलब देख लेना है, मतलब पूरा क्वेश्चन पहले ही से प्लान कर लेना है कौन कौन सा करना है, फिर अकॉर्डिंगली फिर प्रोसीड करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट आपको इंटर्नशिप करनी थी, राइट? तो आपने इंटर्नशिप कैसे किया, फॉर्म में किया या फिर कंपनी में किया आपने? सर जैसे कि हम लोग के आर्टिकल से 6 महीने का होता है, तो मैंने पहले सीए फॉर्म में आर्टिकल से किया था अराउंड 10 मंथ्स के लिए, फिर उसके बाद मेरे को चांस मिला एनसीए के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मेरे को चांस मिला काम करने का, तो उधर में मैंने किया 5 महीना, तो बहुत अच्छा लर्निंग रहा दोनों के तरफ, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ जानने मिला, एप्लीकेशन सीखने मिला, स्टडीज का क्या होता है एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में, क्या कैसे क्या कैसे हुआ जाता है, ये सब मतलब अच्छा लर्निंग था। सो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप एज ए सीएमए ट्रेनी आप वहाँ पे गए, तो लाइक एक अलग लेवल की फीलिंग होगी कि आपने कंपनी लॉ आपने इतना पढ़ा ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट एंड प्रैक्टिकली आप उस वर्ल्ड में हो जहाँ पे सारी कंपनी के रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं, तो लाइक वहाँ की इन शॉर्ट थोड़ी सी आप जर्नी आप बताओ कैसा रहा आपका? सर उधर में हम लोग के मतलब वहाँ पे सर तो ऐसा पूरा कंपनी लॉ के मतलब कंपनी लॉ मतलब वहाँ पे मतलब सबके ये रहता है कि सबको मतलब ये बाय हार्ट मतलब सबके मुंह पे याद रहता है रहता है। कंपनी लॉ, जैसे तो याद रहता है, तो मेरे को मतलब वैसा तो पूरा लॉ का सेक्शन वेक्शन तो ये नहीं था, लेकिन वहाँ पे गाइड वाइड लेके रेफर करके अच्छा लर्निंग था वहाँ पे, मतलब बहुत सेक्शन वेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं था, तो वहाँ काम करके करते करते क्लैरिटी भी कुछ कुछ सेक्शन में आया, तो वो हेल्प भी किया मेरे को आगे जाके प्रिपरेशन करने में, तो यही सब था वहाँ पे। ग्रेट ग्रेट। सो आफ्टर डेट फिर आपके लिए फाइनल का भी चैलेंज था, राइट? तो आपने इंटर्नशिप के साथ अपनी फाइनल मैनेज किया या आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप यू स्टार्टेड और सेम ए फाइनल प्रिपरेशन? नहीं सर मैंने आर्टिकल सी के दौरान ही अपने क्लासेस शुरू कर दिए थे, तो मैंने मतलब आर्टिकल सी के दौरान ही मतलब 5 सब्जेक्ट के क्लासेस खत्म कर चुका था, तो ग्रेट। मैं जब मतलब तो जब मैं लीव लिया एग्जाम देने का, तो मेरा टारगेट था 2 ग्रुप देने का,
फिर वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को मतलब बीच में थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, तो उसके वजह से मैंने एक एक करके दिया। लेकिन मतलब क्लासेस के मतलब आर्टिकल्स के दौरान ही मेरा सजेशन यही रहता है, मतलब जो भी मेरे से पूछता है उसको मैं यही गाइड करता हूँ कि आप लोग क्लासेस के मतलब ट्रेडिंग के साथ ही अपने क्लासेस खत्म करते हुए चलिए, क्योंकि वो छुट्टी जो मिलता है अपने को वो मतलब पढ़ने के लिए होता है, खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए होता है, ना कि वो मतलब उसमें क्लासेस किया जाए। सो आफ्टर इट लाइक अब आपने यहाँ पे भी वन वन बाय वन आपने एक एक ग्रुप करके आपने फाइनल क्वालिफाई किया. सो आफ्टर क्वालिफाइंग फाइनल, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा था, बिकॉज इस बार रिजल्ट का टाइम बहुत इन द मॉर्निंग था, तो आपका क्या एक्सप्रेशन था, क्या फीलिंग थी उस टाइम जब आपका रिजल्ट आया और जब आपने कॉन्ग्रेचुलेशन देखा? सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था सर, सर क्योंकि वो FR का पेपर बहुत बिगड़ गया था, बिगड़ क्या गया था मतलब उसमें लग ही नहीं रहा था कि 40 भी आ पाएगा, तो ओके पहले से ही मतलब ये था। तो फिर मतलब वो दिन का जो मेरे को याद है 25th या 22 या 23 को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं था कुछ पेजेस की वजह से। तो मैंने तो सर उसी दिन स्टार्ट कर दिया था देखना, रिफ्रेश मार मार के साइट को देखे जा रहा था देखे जा रहा था, कुछ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकलता है, मतलब 6:30 बजे के अराउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो मेरे को तो वैसे नींद तो सही से आया नहीं था, तो सुबह उठ के देखते हैं रिजल्ट आ चुका है, तो हम लीक में दबाए पूरा सर, मतलब हाथ तो फीवर हो रहा था, मतलब कुछ करने रोल नंबर तो दबाने दबाने के लिए मतलब हाथ बहुत जल्द फीवर हो रहा था। पर फिर जब कॉन्ग्रेचुलेशन देखा तो फिर सर मतलब बता नहीं सकता था इतना गोदी, मतलब वो क्योंकि समझ सर सकता हूँ. वो जो फेस था सर वो 6 महीना फेस से पढ़ने, फैमिली फैमिली का क्या रिएक्शन था, मम्मी पापा का? तो सर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि हम उन लोग को बोल चुका था कि एक्सपेक्टेड नहीं है इस बार होगा कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट में मेरा खराब चला गया है, तो वैसे मतलब बोल चुका, तो घर वाला भी समझ गया था इस साल मतलब निकलने वाला है नहीं। उनको जब हम बोला पास हो गया तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, तुम झूठ बोल रहा था सर वो। फिर अच्छा, उसके बाद फिर आपको मेरे कोर्स के बारे में कैसे पता चला? सर आपके कोर्स के बारे में मतलब एक सीनियर के थ्रू मुझे पता चला, तो वो मेरे को गाइड किए थे, मैंने उनसे पूछा भी था कि कैसा मतलब है, तो वो बोली थी कि आप ले लो कभी रिवीट नहीं करोगे, तो मैंने वहां से पता किया, फिर आपसे कांटेक्ट किया, तो फिर सो डेफिनेटली आपको रिग्रेट हुआ या नहीं हुआ? सर एकदम रिग्रेट हुआ सर, वो 1 महीना पहले क्यों नहीं लिया मैंने, अच्छा, इस चीज का रिग्रेट मैंने सर हुआ. 1 महीना बाद लिया था। सो ऑल मतलब ओवरऑल जब भी आपने ज्वाइन किया टिल योर कैंपस, मतलब मेरा सपोर्ट आपके लिए कैसा था? जो आप वन टू वन गाइडेंस आपको मिला या नहीं मिला, या वन टू वन सपोर्ट मिला या नहीं मिला, वो सारी चीजें आप इन शॉर्ट आप थोड़ा सा बताओ. लाइक मुझे भी फ्यूचर में उससे बहुत हेल्प मिलेगा. सर आपकी गाइडेंस तो सर मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब आप ये रहते इंक्लाइन रहते कोई भी स्टूडेंट को लेके, मतलब आपका 1-to-1 गाइडेंस देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये बहुत फैकल्टी जो ये 1-to-1 गाइडेंस देते प्रोवाइड नहीं करते। जैसे आपने मतलब मॉक इंटरव्यू में भी मतलब मॉक इंटरव्यू के ड्यूरिंग भी या फिर ग्रुप डिस्कशन जो आप करवाते थे उस टाइम में भी आप नोटिस करते रहते थे कौन मतलब बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो अगर कोई नहीं बोलता है तो उसको आप चांस देते थे कि आपने नहीं बोला है आप मतलब अभी बोलो, या अपने को मतलब कुछ और टॉपिक देते थे या फिर उसको बोलते थे आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो ऐसा मतलब ये सर आपका मतलब ये बहुत बढ़िया था कि आप एक एग्जाम को मतलब पकड़ के मतलब देखते रहते थे मतलब कि, और ओके ग्रेट. सो आपको नोट्स के बारे में आपने ऑलरेडी बताया कि नोट्स सही है, राइट? नो सर एकदम बढ़िया है, ओके इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि वो पूरा ओवरऑल पूरा मतलब जो भी सिलेबस है उसको कंसाइज करके बनाया गया, तो वो हेल्प भी होता है और एग्जाम मतलब इंटरव्यू के दौरान भी मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जाता है। ऑफ कैंपस में भी मैंने एक दो कंपनी में ट्राई किया था, तो उसमें भी मतलब वो जो आपका अकाउंट्स का जो संविदा है तो उसमें से ही वो लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसी में से अगर कोई वो कर लेता है तो मतलब उसको बोलने का मतलब इंटरव्यू क्लियर तो आंसर होता है इजीली कर क्वेश्चन। सकता है. एक्चुअली जो उसमें मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड किए हैं हर एक क्वेश्चंस के आंसर और फिर एग्जांपल्स, तो आई थिंक वो एग्जांपल बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को चीजों को समझ के एक्सप्लेन करने में इंटरव्यू में, राइट?
सर वो रिटेन करने के लिए उससे सर कंसेप्ट भी याद हो जाते हैं, मतलब इसमें क्या बोलना है सर, वो एग्जांपल के थ्रू, मतलब एग्जांपल मतलब अगर दिमाग में रहता है तो वो फ्रेम करके फिर अपने बोल सकते हैं, तो ये बहुत मदद होता है। ओके सो फिर जब अच्छा कैंपस में आपको नर्वसनेस हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल? सर ये इनिशियली हुआ था बैठने में, लेकिन जितना नर्वस पहले था वो तो मतलब आपके जो क्लासेस के वक्त ही मतलब बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो चुका था, या 80% मेरा नर्वसनेस उधर पे ही खत्म हो चुका था। इनिशियली था जब स्टार्ट हुआ था, तो फिर ग्रेजुअली वो काम डाउन हो गया, उसके बाद नॉर्मली सब वेंट ऑन। ग्रेट। सो राइट नाउ अब आप वेदांता में आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लाइक ज्वाइनिंग डेट आ गया अभी आपका? हाँ सर आ गया कब है? 2021 सर, 21 21 में। 21 ओके सो ग्रेट, लोकेशन भी मिल गया होगा। लोकेशन क्या मिला आपको, छत्तीसगढ़ या कोई और? हाँ सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मिला है, ग्रेट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का छत्तीसगढ़ लोकेशन है, तो इट मे पॉसिबल कि आप सब फिर से साथ हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही काफ़ी, एंड होप सो कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले तो एग्जाम की गाइड मिल चुकी होगी, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है वन शॉट में। इंटर्नशिप के बारे में भी आपने बताया। अच्छा इंटर्नशिप के बारे में एक और क्वेश्चन है, लाइक आपने MCA में भी काम किया और आपने CA फॉर्म में भी काम किया है, और आपने जैसे आपके लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग एप्लीकेबल थी, बट अभी स्टूडेंट्स के ऊपर 15 मंथ की ट्रेनिंग एप्लीकेबल है जो न्यू ट्रेनिंग स्कीम है, तो आपका क्या सजेशन रह सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि बच्चों को लाइक फॉर्म में जाना चाहिए या फिर कंपनी में जाना चाहिए, या दोनों में थोड़े थोड़े टाइम देना चाहिए अपने इंटर्नशिप जर्नी? सर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करते होंगे, क्योंकि मेरे लिए क्या, तो मेरे को मतलब 10 में मतलब मेरे को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मतलब उसमें बढ़िया लगा, थोड़ा मेरे को एक्सप्लोर करना था उधर में, तो इसीलिए मैं उधर चला गया, तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया दिखती है। और मतलब जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को भी, मेरा सोचा नहीं रहेगा। या सो ओके थैंक्स फॉर योर सजेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आप लाइफ में और सक्सेस अचीव करते रहो। वी विल रिकॉर्ड योर थैंक मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज। ओके एंड कीप इन टच। यू सर। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।